जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आपकी मरकरी की लाइन यानी कि बुद्धि की रेखा और आपके भाग्य रेखा का आपस में सामंजस्य बहुत ही सुंदर होता है। जब भी किसी की हथेली में बुद्धि की रेखा उसके भाग्य रेखा के साथ सहयोग करते हुए या उसके केंद्र से आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये आपके जीवन में आने वाले विकास को दर्शाने का काम करती है। ऐसे लोग सतत कार्य करते रहें, अपने कार्य में किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार से कोई कमी न करें और भाग्य का बिना सोचे हुए अपने कार्य पर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहें, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। ऐसे लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन में अपनी मेहनत की बदौलत अपने जीवन को काफ़ी सुंदर बना लेते हैं और हमेशा सफलता के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसमें भी देख लो, बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो कि विवाह संबंधित और आपके साथी से संबंधित सूचना प्रदान करती हैं। उन रेखाओं का सहयोग इस रेखा पर बुद्ध की रेखा के साथ सहयोग कर रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो एक कपल के रूप में, एक सहयोगी के रूप में आप दोनों लोग अपने जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। दोनों काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और जीवन को सकारात्मक तौर पे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोग सफल होते हैं। आपके अंदर जो भी कला होती है, ऐसे लोगों को कभी भी अपनी कला को मारना नहीं चाहिए। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने टैलेंट के साथ उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप जीवन में निश्चित तौर पर उन सब इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं, अपने जो भी आपके एम है उसे आप प्राप्त कर पाते हैं और संतुष्टि की स्थिति तक ऐसे लोग पहुँचते चले जाते हैं। और रेखाओं की स्थिति बता रही है ऐसी महीन और सुलझी हुई है कि ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या ऐसे लोगों को नहीं मिलती। किंचित मात्र छोटी मोटी समस्याएं, जैसा कि रेखाएं भी यहां पर बता रही हैं, इस प्रकार की टेम्पररी लेंस रहेंगी तो जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने बुद्धि बल के बदौलत उन चुनौतियों को अवसर के रूप में किस प्रकार से तब्दील कर देते हैं। और जब तक चुनौतियां नहीं आती है तब तक कुछ नया निकल के भी नहीं आता है। एक पुराना नियम है कि जब आपके पास ज़रूरत होगी तभी कुछ नया निकल के आता है, तभी कुछ आविष्कार होता है, तभी कुछ आप नया करने की तरफ, आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जातक के हित में है और एक क्रिएटिव माइंडेड व्यक्ति को बनाती है और आपको हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। जैसे कि आप मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर देखेंगे तो ये बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही है। मध्य के क्षेत्र में इसने छोटा सा ब्रेक लिया है और फिर सुचारू रूप से आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही है और सूर्य के इस क्षेत्र तक आते आते खत्म हो गई है। मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा छोटी होती है इस जातक को उतना ही ज़्यादा सुलझा हुआ और बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बनाती है। ऐसे लोग सफलता के बेहद करीब होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी मेहनत के साथ कभी भी किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा ऊर्जावान बने रहना चाहिए। अंदर से कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रांगनेस, एक ताकत आपको हमेशा फील होनी चाहिए कि हमने जिम्मा लिया है तो हम इन चीज़ों को करके ही मानेंगे और हम कर लेंगे। और यकीन मानो, आप उन चीज़ों को कर लेंगे, किसी प्रकार से कोई भी कमी उसमें नहीं आएगी। यहाँ पर अगर रेखाओं की हम बात करें तो कुछ रेखाएं हैं जो कि अगर आपकी हथेली में भी हो तो किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगी उसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, हृदय रेखा ही है, एक तीर नुमा आकृति में, जैसे तीर के पिछले भाग में पूंछ की जैसी स्थिति होती है ना, वैसे करके आगे की तरफ बढ़ी है। बीच में महीन महीन रेखाएं इससे सहयोग करते हुए ऊपर की तरफ लेती हुई चली जा रही है। एक अच्छी स्थिति है। एक जीवन में सही प्रकार से प्रेम का, करुणा का, जिम्मेदारियों के एहसास का, इन सबका समन्वय आपस में मिलाने का काम कर रही है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप अंदर से मजबूत रहेंगे, आपका मन मजबूत रहेगा, आप कठोर निर्णय दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ पाने में सक्षम होते चले जाते हैं। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आप छोटे छोटे क्रॉस देखेंगे। इस जीवन में आने वाली अलग अलग समय पर जो कुछ मुश्किलें होंगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में या सामाजिक रूप से, उन सबको दिखाने का काम कर रही है, लेकिन एक कभी भी उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितने आप हैं। तो इसे हमेशा समझना चाहिए और उसी तरीके से जीवन को सकारात्मक तौर पे हंसते खेलते आगे की तरफ बढ़ाने की चेष्टा करना चाहिए। ऐसे लोग किसी प्रकार के व्यवसाय में शामिल होंगे, व्यवसाय तरक्की करेगी, बहुत ऊंचाई तक उसे वो लेके जाएंगे। ऐसे लोग जब किसी प्रकार की नौकरी करेंगे उसमें भी अपना परचम लहरा पाने की स्थिति में आ जाते हैं।
ये स्पष्ट बताता है कि जिंदगी किस प्रकार से जातक को एक बड़े तौर पे स्थापित करने का ये जीवन में काम करती है। इस मध्य के क्षेत्र में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि मत्स्याकार आकृति में यहाँ पर स्क्वायर की सिचुएशन बनी हुई है, स्क्वायर की स्थिति है। जब भी ऐसा स्क्वायर आएगा फिनेंशियली ये आपके जीवन को हमेशा समृद्ध बना के रखने की दिशा में काम करेगा। बाहर के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे संबंधित समझबूझ प्रदान करेगा और बाहर के क्षेत्रों से भी आपके जीवन में यहाँ पर आर्थिक तौर पे लाभ की स्थिति को दर्शाने का काम करेगा। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ट्रायंगल दिखाई देंगे। ये ट्रायंगल भी किस में बने हुए हैं तो बुध के इस क्षेत्र में बने हुए हैं, यानी कि व्यवसायिक गतिविधियों के साथ व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़े और जीवन को बड़े ही सही ढंग से आगे की तरफ लेते हुए चला जाएगा। बीच में आप पाएंगे कि एक जर्क है, एक छोटा सा, जिस समय व्यक्ति काफी कुछ गंवा देने की स्थिति में आएगा लेकिन वो फिर से आगे बढ़ेगा क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में आपको स्पष्ट तौर पे एक चिन्ह यहाँ पर निर्मित दिख रहा है, दो मुखी, जो कि हृदय रेखा को जोड़ रहा है। जब भी हृदय रेखा को जोड़ेगा ये अंदर से साहस प्रदान करेगा और ऊपर के क्षेत्र में भी दो मुखी तिलक के रूप में यहाँ पर स्थिति है। यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि व्यक्ति सही तरीके से चीजों को करते हुए अपने कार्य में फिर से कार्य की स्थापना करके उसे सफल कर लेगा। अगर आप बात करें सूर्य के इस क्षेत्र में, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आप पाते हैं उसमें आपके आत्मबल का होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपके पास आपका मन मजबूत नहीं है ना, आपका आंतरिक शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ हौसला एक ऐसी चीज है जो अगर होगी ना तो एक कहा जाता है ना कि हौसलों की उड़ान बिना पंख के भी लोग उड़ सकते हैं, तो वैसी बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जज्बात भी हैं, हौसले भी जबरदस्त हैं, लेकिन कभी कभी डगमगा जाता है क्योंकि रेखाएं दो से ज्यादा स्थिति में बढ़ रही है और एक दूसरे को जोड़ के नीचे निकल जाने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, कई दफे व्यक्ति हिम्मत भी हार जाते हैं। शनि के क्षेत्र से देखेंगे तो रेखाएं आके काट रही है, ग्रहण के योगों को भी 10% यहाँ पर दिखाने का काम कर रही है। इस कारण क्या हो जाता है, एक निराशा की स्थिति भी जातक के जीवन में एक खास कालखंड में, एक खास टाइम पीरियड में व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन ये आप पर हावी न होने पाए क्योंकि आपसे ही सब कुछ है, इनसे आप नहीं है, तो आप कैसे इनसे हार सकते हैं, इसे आपको हमेशा समझना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में आप देखोगे तो यहां पे आप पाओगे क्या हो रखा है कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ना, चलो इसे थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि समझ आए। मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आई, ठीक है, मस्तिष्क रेखा आके बुद्ध की रेखा पे रुक गई, ठीक है, यानी कि सोच और कार्य दोनों का समावेश सही ढंग से हो रहा है। नीचे से अगर भाग्य रेखा को देखोगे ये भी यहाँ पे आके रुक गई है। मध्य के क्षेत्र में ये त्रिकोण की स्थिति भी बनाने का काम कर रही है जो कि आपके धन की स्थिति को बहुत ही समृद्ध करने का काम करती है, आपका धन वाला जो पार्ट है उसे बेहतर करने का काम कर रही है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें आपको एक क्रॉस की स्थिति बनी पड़ेगी, क्रॉस की स्थिति मुश्किलों को यहाँ से निकालने का काम कर रही है, ये भी आपके लिए बड़ा सुंदर है और आपको नए नए क्षेत्रों में प्रवेश की स्थिति की इजाजत भी दे रही है। आवश्यकता बनाओ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता पैदा करो। एक जमाने में लोग केतली में चावल बनाया करते थे या कुछ भी बनाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बन रहा था, अच्छा था, हेल्दी भी था, लेकिन किसी ने व्यापार करना था, उसने कुकर बना डाले, 100 उसके फायदे आपको गिना दिए। ये अलग बात है उसके कारण आपकी हेल्थ से बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई, लेकिन आपका दिमाग सीमित था, आपको सिर्फ फायदे दिखे, उसके नुकसान नहीं दिखे। अब वो चलने लगा केतली गायब हो गई, चूल्हे पे बनाते थे वो गायब हो गई, किससे धुआं होता है, दम्मा होता है, वगैरह 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 होता है, फिर आप गैस ले आए, उससे 100 बीमारियां होने लगी। तो अगर बिजनेस के तरीके से सोचो तो वो तो सफल हो गया। तो बनाई जाती है जब आपको लगे ना जीवन में कि क्या करें, फलाने का भी यहाँ पे, मान लो कोई कुछ करना चाहता है, फलाने का भी यहाँ पे सोफे, फलाने का भी सोफे, मेरे लिए बचा ही क्या है, आपके लिए तो सारा संसार बचा है, बस आपको देखने की जरूरत है, नजरिया बदलो, जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। अब नीचे के क्षेत्र में देखो यहाँ पे क्या हो रखा है कि कुछ रेखाएं ऐसी हैं छोटे छोटे रूप में यहाँ पर कोष्टक बनाने का काम करी, ठीक है, छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने का काम करी, बड़ा ही सुंदर है। ये अलग अलग कालखंड में, अलग अलग टाइम पीरियड में जैसे जैसे वृद्धि करते हो तो होता है ना, एसेट्स खुद के साथ जोड़ते चले जाते हो, संपत्ति बनाते चले जाते हो, तो ये जितनी ज्यादा इस रेखा पर हो ना उतना ज्यादा अच्छा, समझ जाओ जिंदगी में उतने ज्यादा नए नए माइलस्टोन्स को आप प्राप्त करोगे, नई नई चीजों को आप प्राप्त करोगे और जीवन उसी प्रकार से समृद्धि की तरफ आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी।
स्पष्ट तौर पे उन चीजों को बताता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। अब इस क्षेत्र में आते हैं और यहां से जानते हैं कि गुरु के यहाँ की परिस्थितियां किस प्रकार जीवन को क्या बताने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे लाइन मिल जाएंगे, एम्बिशन भी मिल जाएगा, महत्वाकांक्षा भी व्यक्ति की मिल जाएगी, आर्य तिरछी रेखाओं की स्थिति, कई सारे स्क्वायर भी बनाने का काम कर रही है वो भी मिल जाएगी, कई दफे व्यक्ति दिमाग से कितना काम ले रहा है। देखो यहाँ से रेखाएं निकल के ऊपर जा रही है ना, ये क्या करता है, व्यक्ति की जो जहनी क्षमता होती है उसे दर्शाने का काम करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से दिमाग लगा के चीजों को अपने हक में इस्तेमाल कर लेगा। तो यहां भी वो चीजें भी बड़ी सही से जा रही हैं और उसका आउटपुट भी बड़ा सही से आ रहा है। हाँ, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें हैं जो कि कुछ जगह फेल्योरनेस देगी, तो क्या फर्क पड़ता है, वो एडिशन की तरह आप भी बोल सकते हो कि जैसे उसने बताया था ना, किसी ने पूछा कि आप लोग इतने प्रयास के बाद सफल हुए, तो बोला हाँ मैंने 2 या 5 हजार जो प्रयोग किए उससे मुझे ये पता चला कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनता। तो उसके लिए वो किसी भी चीज को, असफलता को भी आप सफलता के रूप में देख सकते हैं, बस आपके नजरिए के ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपका सकारात्मक विचार होना चाहिए, वो चीजें आपके हक में आ जाएंगी। दुनिया में आपदा होती ही नहीं, बस होता है तो अवसर होता है। फर्क इतना है कि आप उसके ऊपर है या वो आपके ऊपर है। चलो इसके बाद हम आते हैं आपके शनि के क्षेत्र में। यहाँ की स्थितियों का अगर वर्णन करें तो देखो क्या आप बिल्कुल खुला मुख है, और जब आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार मुख खोल देवे यहाँ पर, तो क्या ऐसा है जो कि आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, विशेष शक्ति, विशेष ऊर्जा, एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड आपके पाम में दिखने लगता है और वो आपके लिए अवसरों का संसार खोल देता है। बाहर की तरफ निकलती रेखाएं ये आपके लिए कुछ अलग अलग क्षेत्रों की तरफ आपके मन को भटकाने का काम करेगी। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कुछ खास समय के लिए आपका समय जाएगा, आपकी ऊर्जा जाएगी, आपका धन जाएगा, लेकिन ये सब भी कुछ सीख देगी, इसके घाटा मत समझना, एक बेहतरीन स्थिति होगी। तो ऐसे ही कुछ लकीरें हैं, इसके द्वारा आपने काफी कुछ जाना होगा इस हथेली के द्वारा, और भी बहुत कुछ है इस हथेली में, लेकिन हम लोगों के जानने लायक जितना था उतना हमने यहाँ पे बताया। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, एंड हमेशा फॉलो करें, बिकॉज रियल पामिस्ट्री, रियल एस्ट्रोलॉजी पूरे यूट्यूब पे, ओनली ऑन रंग एस्ट्रो और कहीं नहीं।